तो खबरों की शुरुआत होगी देश के 7 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद खतरनाक होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर स्थितियों का आकलन करते नजर आए। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका के मुख्यमंत्रियों से भी वर्चुअल मीटिंग हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश में कोविड अस्पतालों और कोविड बेड के साथ ही दवा और ऑक्सीजन की स्थितियों का पूरी तरीके से जायजा लिया है, जानकारी हासिल करी है और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है, उसी तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात करें तो 2.5 लाख के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच गया। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,379 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,59,810 पहुंच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में बेड के प्रबंधन को लेकर के भी सख्त निर्देश हैं। सीएम ने दोनों मंत्रियों को प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें सुरेश खन्ना ने अभी कुछ समय पहले ही ये जानकारी दी थी कि ऑक्सीजन की कमी से सूबे के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कमांड सेंटर के बाहर कल ही एक मरीज ने ऑक्सीजन की कमी के चलते एम्बुलेंस में ही जान गंवा दी। तो कोरोना मरीजों को पहले भर्ती करने के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से बेड आवंटन और जिला प्रशासन या सीएमओ की पर्ची अनिवार्यता की थी, ये खत्म हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर अब सीधे भर्ती मिलेगी। ये अस्पताल मात्र 10% बेड आरक्षित करके रखेंगे, जिन पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से मरीजों को सीधी भर्ती मिल सकेगी। यूपी के जिले गोंडा में बढ़ते कोरोना के मामलों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के इलाज मुहैया कराने में नाकाम हो चुका है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों की मानी जाए तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटों में 14 से ज्यादा कोविड से पीड़ित मरीजों की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल में अब मरीजों के परिजन खुद ही बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मतलब स्थिति बहुत बहुत खराब थी। घर पे हमारे रखा था तो घर से ये सिलेंडर घर का है? ये आपका घर का सिलेंडर है? हमने बाहर से ही व्यवस्था की। तो हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की मारामारी है, इसी वजह से अव्यवस्था लगातार जारी है। परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। तो ऑक्सीजन की इस कमी के बीच में एक खबर ऐसी जो आपको थोड़ा सुकून देगी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सीएम योगी लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए बोकारो से ऑक्सीजन लेकर विशेष ट्रेन, इसको आप ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहिए तो ज्यादा ठीक होगा, यूपी में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ट्रेनों को नॉन स्टॉप लखनऊ लाया जा रहा है। लखनऊ आने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त ऑक्सीजन भेजी जाएगी। तो कैसा होगा ग्रीन कॉरिडोर और क्या होगा रास्ता, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, लखनऊ लाने का जो ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लखनऊ ऑक्सीजन लाने का ये जो फैसला है ये काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन कब तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन, ये सवाल लाजमी है।
देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन जो है कल उन्होंने यहाँ से रवाना किया था और आज वहाँ से चली है, तो कल दोपहर तक लखनऊ पहुँचने की प्रस्तावित समय है, कल दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से दूसरे सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में या जहाँ जहाँ नीडफुल है अन्य जिलों में वहाँ वापस सप्लाई की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता की बात माने तो उनका कहना है ये क्रम अभी टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन बनाने का क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो जाए। लेकिन पूजा एक बात तुमसे बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जहाँ पर सरकार खुद कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वही सरकार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कसुर किशोर, वो खुले तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि ना भर्ती हो रहे हैं ना ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसा ही आरोप एक और मंत्री ने यहाँ पर लगाया था कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन मिल रही है ना लोग भर्ती हो पा रहे हैं, पेशेंट पर दर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मतलब कितनी कारगर होगी ये देखने की बात होगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो निश्चित रूप से दूर होगी जो स्थिति है ऑक्सीजन मिलने की। आज जब कैरिडोर से यहाँ से रवाना हो गई, कल दोपहर में आ जाएगी, कल सुबह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगा, उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पूजा अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ का क्या हाल है, एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और लोहिया अस्पताल से लेकर सीएम हाउस चौराहे तक पैम्पलेट चस्पा किए गए हैं। पैम्पलेट में पीएम मोदी के नाम संदेश लिखा गया है। पैम्पलेट में लिखा है कि देश को माफ कर दीजिए, आपकी आत्मनिर्भर स्कीम को नहीं समझ पाई, अब दूसरी लहर में भी आप ब्लैक मार्केटिंग को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, 10 गुना दामों में मिल रहे सामान को जनता जैसे तैसे काम चला रही है, लेकिन अगली बार के लिए वो अभी से तैयार है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इस पैम्पलेट पर लिखी हुई हैं। आपको बता दें ये पैम्पलेट समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह सार्जन, अमर सिंह यादव और ठाकुर सोमिल सिंह के नाम से चस्पा हुए हैं। तो अनिल के अंकुर हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी जिस तरीके के हालात हैं मौजूदा राजधानी के अंदर, राजनीति बाज नहीं आ रही है, वो छटक के बाहर आ ही जाती है। देखिए पूजा सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति नहीं है, विरोध करो और प्रदर्शन का एक तरीका है। जो हालात तो उत्तर प्रदेश में वो केवल अब विपक्षी दल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता अब दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं, अव्यवस्थाओं की आलोचना कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ डीजीपी ऑफिस के उस मोड़ पे जहाँ पे ये पोस्टर चिपकाया गया था, यहाँ भी पोस्टर चिपकाया गया था, इसी जगह सामने देख रहे होंगे, इसके सीट सामने पोस्टर चिपकाया गया था। अब उसके जैसे पुलिस को मालूम हुआ वो उसने सड़ा दिया, हमारे जहाँ पे खड़े हुए जहाँ मेरा मुँह है उसके ठीक मेरे सामने वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास में भी इस प्रकार का पोस्टर वहाँ पर मुख्य मोड़ पर लगाया गया था। तो ऐसी स्थिति में मतलब सरकार के खिलाफ ये विरोध है, विरोध प्रदर्शन है कि आप सुधर जाओ और जनता को जो चीजें मुहैया है, ऑक्सीजन जैसी जो बहुत बेसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है उसको कम से कम ब्लैक क्या ये भी समझा जाए अनिल जी कि इस पैम्पलेट से कहीं ना कहीं महकमे की नाकामी भी समझ में आती है कि एक पैम्पलेट को हटाने के लिए तो इतनी मुस्तैदी थी, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी इतनी मुस्तैदी कर लेते। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इतनी ही मुस्तैदी से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए व्यवस्था पहले कर ली जाती तो ये अवस्था ना होती। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 2.5 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहे हैं कि यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं, हालात को समझने की कोशिश कीजिए, अभी से व्यवस्था करनी शुरू कर दीजिए, लेकिन अधिकारियों ने रक्षा मंत्री की बात को भी नहीं माना। तो इसका नतीजा ये निकला है कि इन अधिकारियों के चलते आज प्रदेश की स्थिति हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री बीमार होने के बाद खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग तभी कारगर होगी जब उनके महकमे के अधिकारी उनको उनकी बातों को अच्छा पालन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करी। छापेमारी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों पर बेच रहा था। ये तस्वीर शर्मसार कर देने वाली है, भयावह तस्वीरें हैं। सोचिए कि ये कुछ मिलीलीटर जिंदगी जो थी वो किस तरीके से मौत के सामान में नकली पैकेजिंग के साथ तब्दील कर दी गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ वेंटिलेटर पर चल रहे लखनऊ के स्वास्थ्य सिस्टम को राहत देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम युद्ध स्तर पर काम करने के लिए भेजी है। लखनऊ सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ वासियों की जान बचाने के लिहाज से 2 अस्पताल बनाने का फैसला किया। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही 500 से 600 बेडों के 2 अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स आप देख पाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि 2 अस्पताल कितनी ज्यादा सुविधाओं से लैस होने वाले हैं। हालांकि ये जो अस्पताल हैं ये अस्थायी अस्पताल होंगे। अवध शिल्पग्राम में इनका निर्माण हो रहा है। कैसा होगा डीआरडीओ के हॉस्पिटल का स्वरूप आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं यूपी के प्रयागराज में कोविड लेवल 3 SRN अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। दरअसल अस्पताल में बेड खाली ना होने पर डॉक्टरों ने मरीज की भर्ती से इनकार कर दिया, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करी और जमकर बवाल काटा। तो वहीं इस घटना के बाद SRN हॉस्पिटल में कोविड समेत सभी वार्डों के डॉक्टरों ने कामकाज को ठप कर दिया है। डॉक्टरों और कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर पुलिस ने 4 उपद्रवियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया। तो हमारी कोशिश होती है कि एक सकारात्मक खबर हम आपको जरूर दिखाएं। आज हमारे पास थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोरोना की लड़ाई में डटे हुए हैं। सीएम जहां रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो वहीं कोरोना के हालातों की समीक्षा भी निरंतर कर रहे हैं और निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आखिर ये सीएम का आत्मविश्वास है या फिर जुनूनियत, इस खास रिपोर्ट में देखिए। फिर आत्मविश्वास, जिस तरह योगी डटे हुए हैं ऐसे में तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, डर के आगे निश्चित ही जीत है। बस जरूरत है महकमे की ओर से जनता के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होने की, जैसा कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। महामारी काल के इस बुरे दौर में जब अपने भी अपनों का साथ छोड़ जाते हैं, तब राजधानी लखनऊ में कई लोग ऐसे भी हैं जो गैरों के लिए मसीहा बनकर आते हैं। चाहे कोविड का इलाज कराने की बात हो या फिर ऑक्सीजन मुहैया कराने की मुहिम, वो हर दम हर वक्त अनजानों के साथ खड़े नजर आए। हम बात कर रहे हैं समाज सेविका सुमन रावत की,
जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों से जान गंवा चुके लोगों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। हमारे संवाददाता रूपांशी मिश्रा ने इनसे खास बातचीत करी है। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमानवीय इस दुनिया में आपको भरोसा हो कि मानवता जिंदा है। दुनिया कोरोना महामारी में फैली हुई है, जब अपने ही अपनों से दूरियां बना रहे हैं, तब आज एक ऐसी महिला जो गैरों का अंतिम संस्कार करा रही है। हमारे साथ है समाज सेविका सुमन रावत जी, जिनसे हम बात करते हैं। मैम, इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? एक्चुअली आपने मुझे सवाल किया कि इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। देखिए, इस धरती पे जो मानव है और वो एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब वो रहता है तो उसकी तमाम समाज का जो ताना बाना होता है वो इंसान की भावनाओं से जुड़ा होता है। अपनी जान को आप खतरे में डालकर और जिनको आप जानती भी नहीं है उनका अंतिम संस्कार करना, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, शव हैं, क्या कहेंगी? आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो इंसान यही सोचता है कि ये एक ऐसा वायरस, ऐसी महामारी है कि अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हमारी जान को भी खतरा हो जाता है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण और जो दर्दनाक जो इस तरीके के सीन होते हैं, जो लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उनके घर का कोई ख़त्म हो गया, बाकी घर में केवल बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप बचे हैं, जवान बेटा चला गया, जवान बेटी चली गई, वो भी कोविड पॉजिटिव है, अंदर बंद हैं, कोई मतलब बिल्कुल असहाय, तो उस बॉडी को तो किसी अस्पताल में या अंदर तो नहीं रहने देंगे। तो ये थी हमारे साथ समाज सेविका सुमन रावत जी, जिन्होंने कईयों के अंतिम संस्कार कराए हैं, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर जिन लोगों को वो नहीं जानती हैं गैरों के अंतिम संस्कार कराए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। तो कोरोना काल में ये लोग वाकई मानवता की मिसाल हैं और जनता टीवी का इन लोगों को सलाम है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। और इस कहानी में एक संदेश ये कि हाथ छूने नहीं है लेकिन हाथ छोड़ने भी नहीं है।